दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक अलग और हटका विषय लेके आपके सामने आ रहा हूं, और वो है दल बदलू लोगों के बारे में, यानी दल बदल विरोधी कानून विधायक क्या कहता है, इसके बारे में आज हम जाएंगे। और ये खास करके जब महाराष्ट्र में बहुत राजकीय बात ऊपर नीचे हो रही है, राजनीतिक में दल बदल को रोकने के लिए के वास्ते क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में, क्योंकि दो ठाकरे सरकार उनके साथ जो गठबंधन है वो गठबंधन 2 साल हो गए, 3 साल होने के करीब आ गए, और इसके दरमियान उसके ही पक्ष के एकनाथ शिंदे ने अपने दल से हटने की बात की। और ऐसा होने के बाद सब लोग पहले गूगल पे जाके या तो टीवी के सामने बैठ के, भाई क्या है ऐसा, जब जब होता है तब सब लोग क्या सोचते कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, क्यों, कौन सा फिगर की बात करते हैं कि इतना होना चाहिए, नहीं होगा तो एक्शन होगा। तो ये दल बदल कानून यानी दल बदल विरोधी कानून विधायक, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए, जैसे आप अलग अलग विषय जान रहे हैं, आज दल बदल विरोधी कानून जान रहे हैं, ऐसे अलग अलग विषय के बारे में मैं हरदम बताते रहता हूं। आपको ये वीडियो अच्छे लगते रहेंगे तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर तक वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर तक वीडियो सुनना आपका काम है। आधा वकील होने के बजाय पूरा वकील होना अच्छी बात रहती है। तो पहली बात, ये जो दल बदल विरोधी कानून विधेयक है, ये 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। ये पंतप्रधान राजीव गांधी के दरमियान इसका कानून यानी ये विधायक कानून के तौर पे आ गया था, सम्मत किया गया था। तो इसमें भारतीय संविधान को 10वीं अनुसूची में और कुछ बदल किए जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करती है। अभी इसमें भौतिक लाभ, किसी को लालच या लालच से प्रेरित राजनीतिक दल बदल होने को रोकने के लिए इसका डिजाइन किया है। तो दल बदल में आज जो राजनीति की हालत ऐसी है कि सब गर्म है, सब निश्चित रूप में सब गर्म बातें हो रही है। शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए ये बागी विधायकों ने एक अलग सा चैलेंज देके रखा है। तो भाई कितना आमदार उनके साथ, विधायक उनके साथ रहने चाहिए, दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले। तो आइए कानून पे करीब सा नजर डालेंगे। तो संविधान की 10वीं अनुसूची अनुसार राजनीतिक दल बदल को रोकने का ये प्रयास करती है जो पद या अन्य समान विचार से पुरस्कार से प्रेरित हो सकता है। राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52nd संविधान संशोधन के जरिए इसे पेश किया था, और सब राजनीतिक दलों ने इसको सम्मत किया था। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ कांग्रेस ने लाया था, सब राजकीय पक्ष एक साथ आए थे और इसको सम्मत किया था। अब बात हुई ऐसी कि अभी महाराष्ट्र सरकार के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के एक नेता थे, उन्होंने शिवसेना को विभाजित करने के लिए आवाज दे के रखा है। तो कितना विधेयक की जरूरत है, इसके बारे में हम सोचते समय पहला ये बात जानेंगे कि भाई पहला जो कानून था तो क्या कहता था। तो पहला कानून था एक तिहाई नियम का, यानी किसी भी पक्ष से बाहर अगर किसी दल को जाना है, राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के लिए एक तिहाई द्वारा दल बदल अगर वो करते तो इसे विलय माना जाता था, इसे एक प्रकार का कानूनी के प्रावधान के अधीन माना जाता था। पर 2003 में इसमें एक अहम बदल अटल बिहारी वाजपेयी ने किए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 91st संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किया,
बदलो एम था, उसने पार्टी के कम से कम दो तिहाई सदस्यों को विभाजन के दौरान दल बदल विरोधी आरोपों को सामना करने से बचने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली थी। अब दो तिहाई सदस्य, टू थर्ड मेजोरिटी, पहली थी वन थर्ड, यानी वन थर्ड अगर सोचा जाए तो, अगर मान लो वन थर्ड कितना होता है, 30 में से 10, और दो तिहाई ने 30 में से 20, इतना फर्क हो जाता है। यानी अगर फूटी है तो पूरी फूट होनी चाहिए। वन थर्ड जब था तब भी बहुत सारे दल बदल होते रहते थे, इसलिए वो नया कानून आ गया। अब ये कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन नहीं करेगा, और यदि वो ऐसा करता है तो वो सदन का सदस्य तो खो जाता है। यह संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर यह लागू होता है। दल बदल के रूप में क्या योग्यता है, इस एक सदस्य को दोषपूर्ण कब कहा जाता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। पहली बात, अगर यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने पार्टी को छोड़ देता है, सदस्यत्व को छोड़ देता है। नंबर दो, पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाके वो विधायक या वो सांसद सदन में मतदान करता है या मतदान से परहेज रहता है, बाजू में रहता है, तब वो दोषी पाया जाता है। तीन, अगर यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। और चार, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये चारों में उनके ऊपर एक्शन आ जाते हैं। और अभी अंतिम मध्यस्थी कौन है, अंतिम उसका शब्द किसका है, ये जानेंगे। तो सदन का अध्यक्ष या सभापति, मुझे स्पीकर, इसका फैसला अंतिम होता है। बात वापिस एक बार एकनाथ शिंदे के ऊपर लाता हूं, तो क्या आगे हो सकता है इस बारे में निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे के पास कितना नंबर है। ये नंबर गेम है, तो कितना नंबर है भाई? तो जबकि शिंदे का दावा है कि उसके साथ 40 विधायक है, अटकले लगा जाती है कि 2 जन है, क्या आंकड़ा है और कितना फिगर उसको पार करना है, तो 37, क्योंकि 55 विधायक है, तो 55 से 2/3 अगर देखा जाए तो 37 विधायकों की उनको, यानी दो तिहाई से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए एकनाथ शिंदे को। अगर उससे कम होता है तो अयोग्य ठहराए जाने की उनके ऊपर आबत आ सकती है, और अयोग्यता का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और शिंदे का विद्रोह धुआंधार हो सकता है। अगर उसके पास नंबर है तो शिंदे की अध्यक्षता वाला नया समूह को कोश्यारी को एक पत्र के माध्यम से सूचित करेगा राज्यपाल, तब उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। अगर वो नहीं कर सके तो अगला जो विरोधी पक्ष है, जो नंबर 2 पे है, उनको वो कहेंगे कि भाई आप आपके विधायकों के समर्थन का एक पत्र प्रस्तुत करें और आप अपना जो मेजोरिटी है, बहुमत है, वो साबित करें। और इस तरह ये जो बात है ये फाइनल हो जाती है। अब ये बात महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 साल पहले भी देखी थी, पर वो अलग सी थी। सुबह सुबह अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री का शपथ विधि लेने के लिए गए थे भाजपा के मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, और उसी दिन अपने जो नेता है माननीय शरद चंद्र पवार, उन्होंने उनको आदेश देने के दरमियान पूरे दिन में वो वापिस घूम जाओ करके वापिस पार्टी में आ गए, पर पार्टी ने उनको निकाला ही नहीं था, पार्टी ने व्हीप भी जारी नहीं किया था। तो इसमें उनका सदस्यत्व, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो वापिस पार्टी में आए गए। पार्टी ही तो कंप्लेन कर सकती है, पर अब स्थिति अलग है। शिवसेना के अगर एकनाथ शिंदे की बात कहा जाए तो एकनाथ शिंदे चैलेंज के स्वरूप में सामने खड़े हुए, या तो जियो या मरो इस स्वरूप में अगर खड़े हैं तो इसमें कोई एडजस्टमेंट वाली चीज नहीं है। तभी क्या होगा कि अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में पता चलेगा ही, क्योंकि अभी तक तो ऐसी चीज है, राजनीति बोले तो
तो ऐसा जब होता है तो 10 दिन तक का तमाशा देखने के लिए सबसे ज्यादा जो लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं होता है वो भी अपना चाय का प्याला लेके बैठ जाते हैं न्यूज चैनल के सामने। तब कोई जो सीरियल रहती है अलग अलग से सीरियल उससे भी ज्यादा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इसका टीआरपी बढ़ जाता है, न्यूज चैनल का टीआरपी बढ़ जाता है, पेपर लोग पढ़ने लगते हैं। 10 दिन माहौल ऐसा होता है कि सब लोग राजनीतिक तज्ञ हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं और कुछ नहीं होता है, राजनीति बनी है उसके लिए, राजनेताओं के लिए, वो तो राजकारण करते ही रहेंगे। फिलहाल ऐसा जब होता है तब खाली दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है ये बताना बहुत जरूरी होता है, वो है 2/3। इतना ही आज के वीडियो के दरमियान मुझे बताना था। मुझे लगता है ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूंगा और अलग अलग विषय उसके लिए मैं चुनता हूँ। आपको अच्छे लगे तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगला ऐसा ही कोई अच्छा वीडियो लेके आपके सामने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।